नमस्कार दोस्तों, अभी नवरात्रि चल रही है तो हमने सोचा कि आपको झारखंड का सबसे बड़े पंडाल का दर्शन करवाएं। रांची में दुर्गा पूजा की तैयारी काफ़ी जोर शोर से की जा रही थी। पूरे शहर में एक से बढ़कर एक भव्य पंडाल बनाए गए हैं। रांची के स्टेशन के दुर्गा पूजा समिति ने इस बार कुछ अलग करने की कोशिश की है। इस बार उन्होंने प्रकृति संरक्षण से जुड़े थीम पर पंडाल को तैयार किया है। राजधानी रांची में दुर्गोत्सव की तैयारी जोरों पर है। 26 सितंबर से शुरू हुए नवरात्र को लेकर पूजा पंडालों को खास तौर पर तैयार किया गया है। वैसे तो रांची में 100 से ज़्यादा भी पंडाल बनाए गए हैं, मगर स्टेशन रोड स्थित पूजा पंडाल लोगों का आकर्षण का केंद्र इस बार भी बन चुका है। इस वर्ष भी हर वर्ष की भांति रांची स्टेशन का श्री दुर्गा पूजा समिति दुर्गोत्सव की तैयारी में जुटा हुआ था। पूजा पंडाल बनाने में करीब 30 कारीगर पिछले 1.5 महीने से लगे हुए थे। कमेटी के अध्यक्ष मुनचुन राय के अनुसार इस बार पूजा पंडाल में प्रकृति संरक्षण से जुड़ा हुआ थीम दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज वैज्ञानिक युग में लोग रोबोट और मानव क्लोन बना रहे हैं, वहीं एक छोटे से वायरस कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। लोग अपने सुविधा के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी चिंता को व्यक्त करते हुए इस बार पूजा पंडाल को इंद्रधनुष के साथ माँ के दरबार को परमाणु विस्फोट से होने वाली क्षति और पर्यावरण प्रदूषण को जोड़कर बनाया गया है। दोस्तों, परमाणु बम के विस्फोट के बाद बना मशरूम क्लाउड विनाश का प्रतीक है। प्रकृति ने हमें पौष्टिक आहार दिए हैं, लेकिन हमने खुद विनाश के कई साधन बना लिए हैं। यहाँ का पूजा पंडाल मशरूम क्लाउड के आकार का है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ के पूजा पंडाल के मशरूम क्लाउड का जो बनाया गया है, उसमें से माँ दुर्गा प्रकट होती दिखाई देती है। पंडाल के मुख्य परिसर में लोहा की 500 गोलाकार आकृतियां लगाई गई हैं, जहां पे दिए जलाए गए हैं। पंडाल को श्रद्धालुओं के लिए पंचमी से खोल दिया गया है। पूजा पंडाल को तैयार करने में जुटे कोलकाता से आए कारीगरों का मानना है कि यह पूजा पंडाल भव्य और सुंदर होगा। प्रवेश द्वार पर भगवान शिव की मुखारती होगी, जिसके नीचे से श्रद्धालु प्रवेश करेंगे। इसके बाद माता पार्वती के दर्शन होंगे। पूरे पंडाल का निर्माण बेस्ट लकड़ी से किया गया है, जिसे आमतौर पर लोग जलावन या अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पंडाल के चारों ओर 10 फीट का घेरा बनाया गया है, जहां सैकड़ों छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं। इस पूजा पंडाल पर लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। रांची स्टेशन स्थित श्री दुर्गा पूजा पंडाल समिति ने इस बार लगभग 40 लाख रुपए पंडाल की सजावट पर खर्च किए हैं। इंद्रधनुष का निर्माण मिजोरम से 8000 मूली बांस मंगाकर किया गया है। इस पूजा पंडाल की काफ़ी सारी खासियतें हैं। पूजा पंडाल में मां दुर्गा का दर्शन 1 मिनट में 2000 श्रद्धालु कर सकेंगे। 25 फीट ऊंचा और 50 फीट चौड़ा इंद्रधनुष प्रकृति के रंगों को बिखेर रहा है। पूजा पंडाल में मूर्ति का आकार करीब 18 फीट का है। लाइटिंग का खास प्रबंध किया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। कोलकाता का करीब 30 कारीगर सजा रहे थे माँ का दरबार, और उन्होंने 30 कारीगरों ने मिलकर माँ के दरबार को सजाया है। ये देखिए माँ का भव्य स्वरूप। काफ़ी दूर दूर से और दूसरे राज्यों से भी रांची के इस पूजा पंडाल को देखने लोग आ रहे हैं। यहाँ पे जब हम पहुँचे तो काफ़ी भीड़ जुटी दिखाई दी। क्या स्त्रियाँ, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सभी लोग काफ़ी संख्या में माँ के दर्शन करने आए थे। लोग सेल्फी भी ले रहे थे,
काफ़ी भव्य पंडाल बनाया गया है और काफ़ी सुंदर लग रहा है। देखिए मशरूम के आकार का माँ का पंडाल, जहाँ से माँ की आकृति निकलती हुई दिखाई दे रही है, लोग सेल्फी भी ले रहे हैं।
शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।